अरे सांपों की पूजन कौन से दिन होती है, कौन सी तिथि में करते हैं? जम के बोलो जरा। नाग पंचमी। नाग पंचमी का मतलब क्या है? सांपों की पूजन करो। नाग पंचमी का मतलब होता है शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर दो। उसका कारण क्या है कि हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में, कोई साथ कुटुंब में, परिवार में कोई सात पीढ़ी के अंतर्गत भी अगर कोई जीव तड़प रहा होता है, पड़ा हुआ होता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है, तो पंचमी का चढ़ा हुआ जल उस जीव को प्राप्त हो जाता है और वो जीव तर जाता है, उसका फिर जन्म नहीं होता, वो तर। इसको मुक्तता का शिव का दरबार। नागलक्ष्मी ने मंगल विवाह हो गया, नागलक्ष्मी शेषनाग जी के साथ ब्याह गई। एक दिन शेषनाग जी नागलक्ष्मी के साथ में भ्रमण कर रहे थे, दोनों घूम रहे थे, लक्ष्मी जी ने देख लिया। लक्ष्मी जी ने नागलक्ष्मी को देखा तो नागलक्ष्मी ने पूछा कि ये कौन है तुम्हारे साथ में? मेरे पति है शेषनाग। ओहो ठीक। नाग नागिन का जोड़ा ही ऐसा होता है, पति जाए तो पत्नी बदला लेती है, पत्नी जाए तो पति बदला लेता है। इसलिए हिंदू धर्म की रीति है, गाड़ी के नीचे हाथ में किसी भी रूप में अगर आपसे सर्प मरा है, सर्प की हत्या हुई है, या आपने किसी के द्वारा सर्प पकड़ा कर छुड़वा भी दिया है, तो निवेदन रहता है चांदी का एक नाग नागिन छोटा सा बनाकर, छोटा सा उसको शक्कर के कलश में रखकर बांध कर शिव मंदिर में रखकर आ जाइए, उसको दे दो शिव बाबा को कि अब हमारी तरफ से हमने हाजिरी लगा दी, हमसे दुख, हमसे गलती हुई, हम क्षमा चाहते हैं। गलती मनुष्य से होती है, मानव से होती है, हो गई गलती, अब आपको साधना। स्वप्न में अगर सांप दिख रहा है, स्वप्न में सर्प नजर आ रहा है, पान का पत्ता, तांबुल पान का पत्ता, उस पान के पत्ते पर एक लाल चंदन से सर्प बना और सर्प बनाकर उसका शिव मंदिर में स्पर्श कराकर बहते पानी में छोड़कर आ जाइए, सर्प दिखना बंद, स्वप्न में कभी नहीं दिख सकता सर्प का। घर में सर्प आ रहा है, आस्तिक मुनि का स्मरण करिए, पांच लौंग, एक नाग नागिन का जोड़ा छोटा सा, किसी भी स्थान पर ईशान कोण के अंतर्गत उसको थोड़ा सा खड्डा खोदकर पांच लोंग के साथ नाग नागिन के जोड़े को दबा दीजिए, मिट्टी डाल दीजिए। घर में जब नाग नागिन का जोड़ा आप दबाएं तब आस्तिक मुनि का नाम लेकर दबाएं, मां मनसा का नाम लेकर दबाएं, जो नागों की बहन है, उस मनसा देवी का स्मरण कर उसको डाल दी। आज भी हमारे यहां हिंदू धर्म नीति है, जब पहला कालम नए मकान का पहला कालम जब भराता है, उसमें तांबे के कलश में नाग नागिन रखकर, कमलगट्टा रखकर, अमर बेल रखकर, थोड़ी सी सरसों रखकर, उसका पूजन कर पहले कालम के अंदर, जो पहला कालम भराएगा गड्ढे का, पहला जो सरिया रखाता है, कालम भराता है, वास्तु पूजन के हिसाब से उसमें रखा जाता है। और वो तो वो, उसके रखने के बाद भी जब मकान का मुहूर्त होता है तो वास्तु पूजन में नाग नागिन का जोड़ा रखाता है, वो भी उस मकान में कहीं ईशान के अंतर्गत उसको दबाया जाता है, उसको भी। इसलिए कह देते हैं यहां पत्थर मत लगाना, यहां टाइल्स मत लगाना, पंडित जी से पूछोगे तो ब्राह्मण बता देगा इस जगह पर टाइल्स ना लगाइए, इस जगह पर पत्थर ना लगाइए, यहां पर वो गोला रखा जाएगा, यहां पर वो नाग नागिन का जोड़ा रखाएगा वास्तु पूजन के बाद। चार लोहे की कील, नागफणी कील वास्तु पूजन में चारों मकान में चारों तरफ लगाई जाती है। क्यों लगाते हैं? कि कोई दोष हुआ हो, कोई जीव यहां रहता हो, सर्प का निवास हो, अगर मकान बनाने में टूट गया हो, किसी का मन दुखा हो, तो वो मन ना दुखे, क्षमा याचना, परम आभूषण है क्षमा मांग लेना, परम आभूषण। गलती करो तो क्षमा मांगने में देरी ना करो, हो गई गलती हो क्षमा, हम क्षमा मांगो, हे शंकर, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, क्षमा कर दो, गलती हो गई। तेरा ही दिया मैंने खा। पंचमी, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो, चाहे वो
कृष्ण पक्ष की। श्रावण महीने की पंचमी के दिन शंकर भगवान पर जिस जिस परिवार के व्यक्ति का कांवड़ जल हमने बताया है आपको, जरूरी नहीं है कि डंडा बांधकर दो कांवड़ के जल के लोटे लेकर जाओ, आप अपने हाथ में भी दो पात्र लेकर जा सकते हैं। पंचमी तिथि के दिन हाथ में दो लोटे जल के, दो कलश जल के जब हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं तो ऊपर जो कमंडल होता है शिव जी के ऊपर जलधारी होती है जिसमें जया विषहरा शामली बारी दौतली और देव शंकर भगवान की पांच बेटियां जिसमें विराजमान होती हैं, जब हम जल समर्पित करते हैं हमारे पीढ़ी में परिवार में अगर कोई अधोगति में मर गया होता है, कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, गर्भ में मर गया होता है, गर्भ के बाहर निकल कर भी अगर कुंवारी अवस्था में चले गया होता है, तो श्रावण महीने की दोनों पंचमी पर परिवार का अगर कोई एक व्यक्ति भी जल चढ़ा देता है शंकर भगवान पर तो सर्प की योनि में नहीं पड़ता, जीव मुक्त हो जाता है, प्रेत योनि में सर्प की योनि से मुक्त हो जाता है। महाराज हमारे यहाँ सांपों की पूजन कौन से दिन होती है, कौन सी तिथि में करते हैं, जम के बोलो जरा। नाग पंचमी। नाग पंचमी का मतलब क्या है, सांपों की पूजन करो। नाग पंचमी का मतलब होता है शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर दो। उसका कारण क्या है कि हमारे परिवार में हमारे कुटुंब में कोई साथ कुटुंब में परिवार में कोई सात पीढ़ी के अंतर्गत भी अगर कोई जीव तड़प रहा होता है, पड़ा हुआ होता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है, तो पंचमी का चढ़ा हुआ जल उस जीव को प्राप्त हो जाता है और वो जीव तर जाता है, उसका फिर जन्म नहीं होता, वो तर इसको मुक्तता कहते हैं।